मैं अपने सभी परम पूज्य शंकराचार्य जी, अपने सभी परम पूज्य महामंडलेश्वर, सभी आचार्य और सभी भगवत कथावाचक श्री राम कथावाचक से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आर्टिकल 48 लागू करने की मांग करिए, नशा तस्करी के खिलाफ आवाज उठाइए। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है नशे में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गांजा बिक रहा है, चिट्टा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, चरस बिक रही है, एमडी बिक रही है, सुल्फा बिक रहा है, हसीस बिक रही है, अफीम बिक रही है, हीरोइन बिक रही है, कोकीन बिक रही है, एक्सटेसी बिक रही है, एलएसडी बिक रही है, ब्राउन शुगर बिक रही है। जो पहले यूनिवर्सिटी में बिकता था आज की डेट में कॉलेज में आ गया, और कॉलेज से होते होते आज की डेट में 10वीं 12वीं के जो स्कूल है वहां तक पहुंच गया है। ये नशा तस्कर हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा कानून महाघटिया है, भ्रष्टाचार है, पुलिस से मिली भगत है, पकड़े जाने के बाद सजा नहीं मिलती, 20 से 30 साल 40 साल मुकदमा चलता है, इसीलिए नशा तस्करी रुक नहीं रही। और भारत का ऐसा कोई एक जिला नहीं है जहां ड्रग स्मगलिंग नहीं हो रही, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा लॉ कॉलेज नहीं है जहां पर ड्रग स्मगलर्स ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया। ये बर्बाद कर देंगे हमारी पीढ़ी को, जैसे अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, दुनिया के और कई सारे देश बर्बाद हो गए हैं, ऐसे ही ये हमारा भारत भी बर्बाद हो जाएगा। अरे जब हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, जब वो नशे की गिरफ्त में आ जाएगी, तो कहां से गायत्री मंत्र का पाठ करेगी? कोई बच्चा जब ड्रग के नेटवर्क में आ जाएगा, वो कहां से जय श्री राम बोलेगा, कहां से हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कहां से वो महामृत्युंजय का जप करेगा? इसलिए मैं अपने सभी धर्मगुरुओं से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज बाकी सारे काम बाद में, सबसे पहले नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नशा तस्करों की नागरिकता खत्म करने और नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग करिए। केवल नैतिकता की बात करने से ड्रग स्मगलिंग नहीं बंद होगी, केवल रामायण का ज्ञान देने से, भगवत कथा करने से नशा तस्करी नहीं रुकेगी। गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, मध्यम वर्ग भी परेशान है, करोड़ों मां बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान है, करोड़ों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है, पूरी यंग जनरेशन बर्बाद होती चली जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज करने वाले छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, मेडिकल करने वाले छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, लॉ करने वाले छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम पीएचडी वाले तो आ ही रहे। जब पूरे देश में नशा फैल जाएगा तो कहां से रामराज्य आएगा? हम काशी को मुक्त करा के, मथुरा को मुक्त करा के, ज्ञानवापी को मुक्त करा के या बाकी और चीज करके हमें क्या मिलेगा क्या, जब हमारी यंग जनरेशन ही बर्बाद हो जाएगी? इसलिए मैं अपने सभी सांसदों से निवेदन करता हूं, प्लीज संसद में आवाज उठाइए, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नशा तस्करों की नागरिकता खत्म करने और नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग करिए। मैं माननीय गृहमंत्री से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आने वाले सत्र में नशा तस्करी के खिलाफ ऐसा कानून बनाइए कि पूरी दुनिया को सबक मिले, पूरी दुनिया देखे और पूरी दुनिया अपनाए कि भारत ने क्या कठोर कानून बनाया। 6 महीने पहले सिंगापुर में मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम, और सिंगापुर ने फांसी दे दिया। अब दोबारा कोई सिंगापुर में गांजा लेके घूमने की कोशिश नहीं करेगा। और हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के 4 बच्चे पकड़े गए हैं। सोचिए जरा, ये ड्रग स्मगलर्स ने किस तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि उन्हीं के माध्यम से बाकायदा स्कूल और कॉलेज में नशा बिकवा रहे। इसके पहले भी मुंबई में नशे की तस्करी पकड़ी गई स्कूल में, कॉलेज में, चेन्नई में पकड़ी गई, दिल्ली में पकड़ी जा रही है, नोएडा में पकड़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। कहते नहीं सठे साठम समाचारे, कानून का खौफ होता है ना तो आदमी अपराध करने से डरता है। जैसे जितना अपराध भारत में है इतना दुबई में नहीं है, क्यों? कानून का खौफ है। जितना अपराध भारत में उतना सिंगापुर में क्यों नहीं है? कानून का खौफ है।
जितना अपराध भारत में है उतना जापान में क्यों नहीं है, कोरिया में क्यों नहीं है? कानून का खौफ है। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, और कानून का खौफ पैदा करने के लिए मैं बार बार कहता हूं कानून को बदलना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। यह 1861 का जो पुलिस एक्ट है यह महाघटिया है, इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने 1500 से ज्यादा अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए, लेकिन 222 अंग्रेजी कानून आज भी बचे हुए। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी बचा हुआ है। जब तक पुलिस अंग्रेजी कानून से चलेगी तब तक बाकी कानूनों को बदलने कोई फायदा नहीं। पुलिस को भी एडवांस बनाना पड़ेगा, पुलिस को स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, पुलिस को निष्पक्ष बनाना पड़ेगा। पुलिस में जो दलाली, जो थाना हमारा दलाली का अड्डा बन चुका है, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट घूसखोरी कमीशनखोरी दलाली और का अड्डा बन चुका है, इसको रोकना पड़ेगा। तरीका वही है, सबसे पहले भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू किया जाए, ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, 50000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, और जिसके पास बेनामी संपत्ति मिले, ऐसी संपत्ति मिले, उसको 100% जब्त करके आजीवन कारावास फांसी देने का कानून बनाया जाए। ये जो ड्रग स्मगलर है ये रातों रात अरबपति बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि पूरा बेनामी लेन देन चलता, पूरा कैश में उनका कारोबार चलता है, पूरे नशे का कारोबार कैश में चलता है। याद रखिए, अगर कैश बंद कर दिया जाए नशा तस्करी रुक जाएगी। कैश भारत में नशा तस्करी केवल इसलिए हो रही है क्योंकि यहां कानून घटिया है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, भ्रष्टाचार के कारण ठीक से जांच नहीं होती, और जांच भी होती है तो 10 साल मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, 10 साल हाई कोर्ट में चलता है, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलता है, इस बीच आधे गवाह खत्म हो जाते हैं, आधे गवाह मुकर जाते हैं, पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है। हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, कानून घटिया है, इसलिए नशा तस्करी चल रही है, और नशा तस्करी चल रही है पूरी भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है। ये सोशल मीडिया में हम सुबह से लेकर शाम तक जो एक कैंपेन चला रहे हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की, बाकी चीजों की, अरे जब हमारा बच्चा ही ठीक नहीं रहेगा, यंग जनरेशन स्वस्थ नहीं होगी, तन मन से स्वस्थ नहीं होगी, यंग जनरेशन भगवत गीता को समझेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं, रामायण को पढ़ेगी नहीं, जानेगी नहीं, वेद पुराण को पढ़ेगी नहीं, जानेगी नहीं, तो कैसे राम राज्य आ जाएगा? कहां से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र घोषित करने थोड़ी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी महामंडलेश्वर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी अखाड़ों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी शंकराचार्य जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी अपने में कथावाचकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल एक विशेष सत्र बुलाइए संसद का, और नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास से फांसी देने तक कानून बनाइए। तब जाके ये जो गांजा बिक रहा है, जो चिट्टा बिक रहा है, जो स्मैक बिक रही है, जो चरस बिक रहा है, स्कूल कॉलेज में एमडी बिक रहा है, सुल्फा बिक रहा है, हसीस बिक रही है, अफीम बिक रही है, हीरोइन बिक रही है, कोकीन बिक रही है, एक्सटेसी बिक रही है, एलएसडी बिक रही है, ब्राउन शुगर बिक रही है, तब जाके रुकेगी, नहीं तो नशा तस्करी नहीं रुकेगी और हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी।